शनिवार रात पीसी सेठ अस्पताल में रात को वार्ड में प्रवेश नहीं देने की बात पर परिजन बिफरे और तोड़फोड़ कर दी। गार्ड ने रोकने की कोशिश की तो उसे इतना पीटा गया कि वह लहूलुहान हो गया और उसे 25 टाके आए हैं। इसके विरोध में सोमवार को पीसी सेठ अस्पताल में डॉक्टरों व स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश चिकित्सा अधिकारी संघ का कहना है कि शहर के किसी सरकारी अस्पताल में काम नहीं किया जाएगा। आए दिन परिजन अभद्र व्यवहार कर स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं। जानकारी के अनुसार सोनू और सोनम की प्रसूति के लिए पीसी सेठ अस्पताल में भर्ती किया गया था। रात 12 बजे परिवार के किसी पुरुष साथी ने प्रवेश की कोशिश की तो गार्ड जितेंद्र ने उसे रोक दिया। इस पर वे गार्ड से विवाद करने लगे, लेकिन गार्ड ने उन्हें दाखिल नहीं होने दिया। इस पर वे उग्र हो गए और गार्ड पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। लहूलुहान गार्ड को साथी बचाकर इलाज के लिए ले गए, जहां उसे 25 टांके आए हैं। घटना से आक्रोशित स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। जैसे ही इसकी सूचना शहर के अन्य सरकारी अस्पतालों तक पहुंची, तो उन्होंने भी काम बंद कर दिया है। अस्पताल प्रभारी और चिकित्सा अधिकारी संघ के महासचिव डॉक्टर माधव हसानी ने बताया कि किसी सरकारी अस्पताल में काम नहीं होगा, इस तरह काम करना मुश्किल हो गया है। विरोध स्वरूप सभी डॉक्टर और स्टाफ पीसी सेठ अस्पताल में जमा हो गए हैं। मेरा नाम जितेन तिवारी। जितेन जी, आप क्या करते हैं अस्पताल में? गार्ड की नौकरी करते हैं। गार्ड की नौकरी, क्या हुआ था आपके साथ? 12:30 बज रही थी रात में। हाँ। वो आया, मैंने उससे बोला 7 वाले लेडीज को बुला लो। हाँ। तो बोला कि नहीं आएगी, मैं ही जाऊँगा अंदर। मैं MBI में नौकरी करते हैं। हमने कि सर MBI में करते हो चाहे कहीं भी करते हो, पूरी लेडीज से ऊपर से नीचे तक। आप 7 वाले को बुला लो, खाना देना, चाय देना, काफ़ी देना, जो भी नीचे से ले जाओ। अच्छा। तो बोले नहीं नहीं मैं तो अंदर जाऊंगा। तो मैंने बाहर निकाल के गेट लगा लिया। अच्छा। तो उसने उठा के फर्सी मार दी, तो कांच समेत हमें गल गई फर्सी भी। अच्छा। हाँ रिपोर्ट सर पुलिस बुलाई थी और MBI में ले गए थे। रक्षा में उन्होंने लिख के दिया है, अब जो भी हुआ आगे चल के अभी पुलिस वाले के पास नहीं गए। अभी मतलब कौन था वो व्यक्ति? नाम नहीं जानते सर। किस लिए आया था वो अस्पताल? उसकी लेडीज भर्ती थी यहाँ पे। अच्छा। अभी वो कहाँ है वो व्यक्ति? मार के भाग गया था राती में सर, अभी ये नहीं मालूम कहाँ रहता है क्या है। अच्छा। वो सर के पास है उसके कागज। अभी मैं सर नौकरी करता हूँ क्या? जी अभी आप क्या काम बंद कर दिया क्या आप लोगों ने? हाँ काम बंद कर दिया। आपका नाम? हड़ताल में जा रही। जितेन तिवारी। नीलम जी बताया आप यहाँ कब से बैठे हैं? वो काई मैं 10 बजे से बैठी ना, उस बहुत काम पड़ा ना घर पे, मैं बैठी ना, मेरी बच्ची भी परेशान कर दी। क्यों आए आप यहाँ पर? यहाँ पे मेरे को चेकअप करवाना। अच्छा आप आए तो यहाँ क्या कुछ पता चला कि? नहीं मेरे को कुछ पता नहीं पड़ा, मैं अभी लाइन में खड़ी थी ना, पीछे खड़ी थी ना, मैं अभी आई। तो कोई अटेंडर यहाँ मिला आपको? डॉक्टर मेरे को डॉक्टर नहीं मिली थी ना, आप लोगों ने बुलाया ना बाहर, तो इसलिए वो बाहर चले। आपका नाम बताए और अभी क्या हो गया, किस कारण हड़ताल? मैं डॉक्टर माधव हसानी हूँ, प्रभारी पीसी सेठी शासकीय चिकित्सालय इंदौर। जैसा कि आपको विदित हो, रात में लगभग 11 बजे यहाँ पे किसी रोगी के परिजन द्वारा, जो प्रसूता यहाँ पे भर्ती हुई थी प्रसूति के लिए, उसके परिजन द्वारा अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। और साथ ही यहाँ जो गार्ड थे ड्यूटी पे, उसको कांच से मारा गया है, जिससे उसके चेहरे पे 20 से 25 टाँके आए हैं। हमारा मुख्य मांग ये है कि ऐसी परिस्थितियों में जो ये अस्पताल, जो कि लगभग प्राइवेट अस्पतालों के लेवल की सर्विसेज दे रहा है, कॉरपोरेट अस्पताल के लेवल की सर्विसेज दे रहा है, यदि इस तरह की घटनाएँ होती हैं और हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, तो हम लोग ऐसी परिस्थितियों में काम करना नहीं चाहते। और इसके विरोध में इंदौर के सभी शासकीय अस्पताल अभी बंद हो गए हैं, कहीं भी काम नहीं हो रहा है। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन, इसके द्वारा भी हमारे इस काम बंद को समर्थन दिया गया है। हमारी मांग है कि प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी आएँ और हमको हमारी सुरक्षा का न केवल आश्वासन दें, बल्कि उसको अभी हाल ही क्रियान्वित करें। यहाँ 24 घंटे गंड गार्ड हों, गनमैन हो, उसके बिना हम लोग सेवाएं देने में असमर्थ रहेंगे। और मेरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी, राज्यपाल महोदय का एक प्रोग्राम चल रहा है मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल टीचर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे और हम पूरे इंदौर के अंदर कुछ रैपिड रिस्पांस टीम तरह का हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं, जहाँ इस तरह की कोई भी घटनाएँ शहर में यदि होती हैं तो हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें, इस तरह की हम लोग कुछ टीमें भी गठित करने जा रहे हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई थी, पुलिस अधिकारियों द्वारा आके अपनी कार्रवाई रात में प्रारंभ की गई है।
लेकिन अभी तक जो मुझे सूचना है ना तो कोई उस मामले में FIR हुई है और ना ही किसी तरह की कोई अरेस्ट हुई है। सर रात को कितने गार्ड यहाँ पर रुकते हैं? यहाँ पे टोटल हमको शासन के निर्देशानुसार 8 गार्ड की 24 घंटे में स्वीकृति प्राप्त है, जो कि बहुत ही हमारी ज़रूरतों के हिसाब से बहुत कम है। ये G+5 बिल्डिंग है और साथ में बहुत बड़ा कैंपस है और मात्र 8 गार्ड से 24 घंटे में इस क्षेत्र की सुरक्षा करना संभव नहीं है, और वो भी 8 गार्ड ऐसे हैं जिनके पास में किसी प्रकार के कोई हथियार नहीं है। डॉक्टर माधव हसानी, प्रभारी PC CT शासकीय चिकित्सालय।